नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 यूपीपीसीएस कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को जो होने वाली है उसका एडमिट कार्ड जो है वो कब जारी किया जाएगा, उसके बारे में आज के न्यूज़पेपर में आया था, तो उसी के बारे में थोड़ा हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ पर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यूपीपीसीएस राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जो है वो 1 अगस्त को डेट दिया गया है, और परीक्षा एडमिट कार्ड जो है वो आपका जुलाई के तीसरे चौथे सप्ताह में जो है वो जारी की जा सकती है, यानी 20 जुलाई के बाद जो है आपका यूपीपीसीएस राज्य कृषि सेवा का एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट आपको upcs.upenic से डाउनलोड करना होगा, तो आप यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे विजिट करके देखते रहें, वहाँ पे जो है अपडेट कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड का। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि इससे पहले यूपीपीसीएस कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन जो है 23 मई को निर्धारित किया गया था, कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया था। इसके अलावा जो है प्रारंभिक चरण में जो है शॉर्ट लिस्ट बनाया जाएगा मेन्स के लिए जो है, इसमें विभिन्न पोस्टें थी, आयोग जिला बागवानी अधिकारी, प्रधान सरकारी खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र, खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी और वरिष्ठ तकनीक सहायक के 564 पदों की नियुक्ति के लिए जो है उम्मीदवारों का जो है शॉर्ट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसके बाद जो है अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग मेरिट मेंस के लिए जो है वो तैयार किया जाएगा। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है वो 20 जुलाई के बाद ही आएगा, तो काफ़ी कम समय अब बचा हुआ है, लगभग 18-19 दिन आप लोगों के बीच बचे हुए हैं। जो भी आपके पास सोर्स हैं वही जो पढ़े हुए हैं वहीं पर को रिविजन करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करते रहें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।